जिलाधिकारी के विजयन पांडियन द्वारा मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती हड्डी के मरीजों से उनका कुशल क्षेम पूछा और ऑपरेशन होने में की जा रही देरी का कारण भी जाना। साथ ही अस्पताल परिसर सहित वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था पर संतुष्ट भी दिखे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जर्जर भवनों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें ध्वस्त करने और कंडम पड़ी वाहनों को नीलाम करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान जिला अस्पताल के SIC अभय चंद्र श्रीवास्तव सहित डॉक्टर्स और PWD के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा। वैसे पंजाब का है लेकिन आउट बाबा आपको हो गया ऑपरेशन इसका हो गया इसका अरे ये बाकी आपका क्या एक्सीडेंट हो गई क्या ये सब दूरी बताइए हटिए वहाँ से बाहर हटिए एक तक हटिए बाहर देश से कोई कितने पेशेंट है तो पहले थे साथ ही कंजर्वेटिव सब होता है क्या नहीं ग्रैफ्टिंग अब आए तो कर देंगे और अगर देखते हैं क्या बढ़ा पाते हैं फोटोग्राफी अब थोड़ा सा अभी तो शुरू कर दे जाओ जर्जर गाँव इसलिए तो गवर्न है ना उसको हटा दीजिए उसको जो हम परेशानी है क्या बंदा क्या बंदा सर कोई जर्जर सामान उमान पड़ा था जर्जर बिल्डिंग था कोई गाड़ी करी थी वो था इधर हमारे तरफ इधर इधर आपके स्टैम्प क्वार्टर के पास में जर्जर बिल्डिंग समझ नहीं है नहीं ये हमें दोबारा नहीं है ये हैंड ओवर नहीं किया है मंजिली का गंदा दिख रहा है हाँ जी हाँ बोले वो कौन के नया बना लो फाइल पत्र वाली उसको निकालिए ऐसा नहीं कुछ जांच चल रहा है।
उसको डिमोलिश कर सकते हैं, उसी को डिमोलिश तो वो जो और कोई है इस पे आधा अधूरा कोई इसी टाइप का जो नहीं बड़ा यहाँ तो खत्म हो गया है और पानी भी लग जाता है यहाँ पे और पानी सूखा इसमें अधिक आवश्यकता और ये भी क्या अंदर नहीं अभी कदम नहीं है अंदर में तो ये पहले पानी इसको ये गाड़ी पूरा एक कम्प्लेक्स इधर एक कम्प्लेक्स एस आई की बात की दो में हम पूरा बना सकते हैं मैडम से बात की बगल में जो जमीन खाली है उसको करते हैं और हेरिटेज ही डेवलप कर लेते हैं हेरिटेज का भी पैसा लगता है इसको इसको अभी किस स्टेज पे है नीलाम तो नीलाम कर लो रिलेशन हो गया नीलाम कर लो ये निकाल दीजिए टेक्निकल सेंटर वहाँ से आ जाएगी टेक्निकल सेंटर जो है एम्बेसडर है एक एम्बुलेंस है कितने गाड़ी आपका पड़ा है पूरा अंदर करा दीजिए पूरा जगह खाली हो जाएगी नीलाम करा दीजिए बाकी सामान भी करा दीजिए सर शायद हम डेवलप करा रहे हैं चला जाएगा जो उसका गाइडलाइन था उसका है इस ट्रेनिंग इसलिए कह रहा था ये वाले पूरा
इसको भी करा लो, साथ साथ करा लो, दोनों साथ ही वो टेंडर करा लीजिए उसका। कल ही बात हुई है, कल देखा था इसको, वो लेवल और पहले तो लेवल करा दीजिए, पार्किंग हम इधर ले आए, कूड़ा हटाने के बाद भी इसको कोई आवे तो जाता हट गया नहीं, रुकने के लिए वेट करने के लिए क्या चलो। अरे हमारा कर्मचारी पड़ा रहेगा, प्लान जो है करा लो। ये तो बुलबुल है जैसे लग रहा है, किसका क्या है किसी को नहीं पता है। ये आने वाले ऑफिसर भी बाहर ही बैठ बैठ करके काम करके चले जाते हैं, कुछ पीछे तक नहीं आते, इतने सारे गुज जाता पीछे से। प्लानिंग करें मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर करा करके एक एक बड़ा बड़ा पैकेट निकाल लो, बड़ा बड़ा पैकेट निकाल करके उसी का एक ब्लास्ट बना करके उसी से गुज जाता है। एक बड़ा नक्शा में टोटल प्लेसिंग करना है, पूरा एरिया का हो जाता है, इस पर कितने बिल्डिंग कितने साल पुराना है, इसको ठीक है हमारे उपयोग में है, अच्छा है तो ठीक है, बाकी कितने जर्जर है सारे हटा के फिर क्लियर हो जाता है, एक पैच मिल जाता है आपको योजना बनाने के लिए। फिर हमको जमीन यदि मान लीजिए आधा एकड़ एक एकड़ मरकल हो गया बहुत अच्छा हो जाता है, मल्टी स्टोरी में जाएंगे आराम से हो जाएगा। जब काम अभी पैसा बचता है मेरे पास, हाँ तो यहाँ पर ड्राइवर यहाँ आपके यहाँ से नस्ते में ले लेते हैं, ड्राइवर सेट के लिए यहाँ पर बनवा देते हैं, ये लोग खिड़की थोड़ी खुचोड़ के पहले काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसका थोड़ा एक प्लान ये सब वो पूरी की पूरी एरिया केवल इंडोर के दे सकते हैं, डायग्नोस्टिक सब करके आराम से अरबों की जमीन खाली हो जाएगा। हाँ इधर तो मल्टी स्टोरी जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ बताए थे अच्छी खासी रिपेयर खर्च कर दी जाए तो ये बचाया जा सकता है, उधर सर दिखाएं कोई बॉर्डर सरिया होगा एक पार्ट में अबंधन हुआ है कई सालों, वो भी ले यार महिला कहाँ जी था, तो इनका जो महिला अस्पताल में भी कितने आज डीएम साहब ने एक औचक निरीक्षण जिला चिकित्सालय पुरुष का किया था और उसमें वहाँ की व्यवस्थाएँ, इमरजेंसी की व्यवस्थाएँ, ड्यूटी रोस्टर, वार्ड में मरीजों को दी जा रही सुविधाएँ और ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में विशेष रूप से उन्होंने जानना चाहा कि क्या सर्जरी के लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है जिसमें कि मरीज़ बहुत दिन से लेटा हो और उसकी सर्जरी ना हो रही हो, तो ऐसा नहीं पाया गया। जो सर्जरी ड्यू होती है वो अमूमन हो जा रही है और जिनका वेटिंग पीरियड होता है कच्चा प्लास्टर लगा है फिर वो कुछ दिन के लिए उनको रखना पड़ेगा, या जिनके ट्रैक्शन लगा है वो कुछ दिन के लिए रखे जाते हैं, वही पेशेंट ऐसे थे जो 10-12 दिन से थे, बाकी सभी की नॉर्मल टाइम से सर्जरी हो जा रही, किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं जनता के द्वारा मिली ना मरीजों के द्वारा मिली, सभी को दवाएँ दी जा रही थी। साफ़ सफाई पर डीएम सर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी मेंटेन है। उसके बाद उन्होंने अस्पताल में जो हमारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो ध्वस्त करने लायक हैं, जो डिसमेंटल करने लायक हैं, कंडेम हो चुकी हैं, उसका भी निरीक्षण किया, पहले भी उस संदर्भ में उनका निरीक्षण हुआ था और उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है, उसका PWD से हम लोगों ने एस्टिमेट ले लिया है, वो निकट भविष्य में ध्वस्तीकरण करके वो स्थान खाली करके वहाँ उपयोग के लिए अन्य भवन या अन्य कार्य करने के लिए उसको यूज़ में लाया जाएगा। तो इन्हीं बिंदुओं पे सर का निरीक्षण था जिसमें SIC मेल और हम साथ साथ थे, साथ में उन्होंने कंसर्न JEE और अन्य कंसर्न लोगों को भी बुलाया था जिससे कि बात क्लियर हो सके। एक हमारे कैंपस में एक नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग
बन रही है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी उन्होंने लिया कि इसका कार्य क्यों रुका हुआ है और उस पर शासन स्तर पर जो भी कार्रवाई करनी है वो DM सर करेंगे जिससे कि वो अविलंब पूरा हो सके। कुछ कंडम गाड़ियाँ भी अस्पताल की पड़ी हुई है, कंडम गाड़ियों के बारे में मैंने बताया कि सर इनके लिए टेक्निकल सैंक्शन मांगी गई है, 2 या 3 गाड़ियों की टेक्निकल सैंक्शन निदेशालय स्तर से आ भी गई है, बाकियों की जैसे ही आ जाती है उसको हम एडवर्टीजमेंट करके उसके ऑक्शन की कार्रवाई कर देंगे जिससे कि वो कबाड़ गाड़ियाँ भी हट जाएँ और स्थान भी खाली हो जाए। आज जनपद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किए थे हमने, औषध निरीक्षण, उस पर जिला अस्पताल का खासतौर पर जाके देखे थे ताकि समय में कोविड भी चल रहा था और साथ साथ और स्टाफ का उपस्थिति के बारे में जांच किए थे। उपस्थिति में लगभग तो सभी लोग थे, उस पर CMO थे, वहाँ का इंचार्ज थे, स्टाफ नर्स सभी लोग थे, कुछ लोग उपस्थित नहीं थे उन्हीं लोगों का स्पष्टीकरण काल किए। बाकी मरीज से भी तो हमने हालचाल पूछा है और वहाँ का सफाई का व्यवस्था देखा है, बाकी सुविधा के बारे में भी वहाँ डिस्कस किए थे और सुविधा बढ़ाने के भी डिस्कस किए थे। कुछ जर्जर भवन भी था उसका गिराने के लिए हम लोग नीलामी करा करके गिरवा रहे हैं ताकि कुछ जगह बन जाएगा तो फिर और भी बेहतर सुविधा हम तो जनता को दे सकते हैं। उसी दिशा पर हम लोग जा करके सुबह इंस्पेक्शन किए थे।